नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये कैसे टाइप एसी का इंडोर है। और दोस्तों ये जो इंडोर होती है, इंडोर में जब पानी गिरने का प्रॉब्लम होता है तो उस पानी गिरने के का वजह होती है, और उस पानी गिरने का कारण होती है। और उसमें अगर पानी गिरना शुरू हो जाता है कैसे टाइप इसमें, तो आप कैसे उसे रिकवर कर सकते, कैसे उसका समाधान कर सकते हैं, आज मैं ये भी आप लोगों के सामने पूरा डिस्कशन करूँगा। तो देखिए, ये एक फ्लोटिंग स्विच है। फ्लोटिंग स्विच का मतलब होती है कि ये जो है इसमें फ्लोट करेगा, यानी कि इस पर तैरेगा। तैरना है इसका काम। जो फ्लोटिंग स्विच है, फ्लोटिंग स्विच का काम है तैरना। जो इसमें पानी रहेगा तो ये ऊपर की तरफ रहेगा, जब पानी नहीं रहेगा ट्रे में तो ये नीचे की तरफ रहेगा। तो दोस्तों और साथ में देखिए, ये जो ब्लैक कलर की है ये पंप मोटर होती है, और ये इसका जैक पॉइंट होती है। तो दोस्तों अगर जब आपके एसी में पानी गिरने का कारण होता है तो दोस्तों यही इसके लिए दाई होती है, तो यही इसका मुख्य कारण होती है। तो इसे कैसे इस आसानी से चेक कर पाएंगे कि पंप मोटर की जैक है और जो पहले वाला था वो फ्लोटिंग स्विच का जैक है। दोस्तों देखिए, ये जो पंप मोटर होती है, पंप मोटर के काम होता है जो ट्रे में पानी जमा होता है, इसे पंप मोटर जो पानी इस पर सक्शन करेगा, और जो ड्रेन होती है वाटर ड्रेन, उस ड्रेन के माध्यम से बाहर की तरफ पानी को निकाल देगा। और इसके लिए मुख्य काम करेगा ये जो फ्लोटिंग स्विच है। फ्लोटिंग स्विच जब पीसीबी में होता है, पीसीबी में ये सीरीज लाइन में होती है, एक वायर से इसमें लाइन जाता है और एक वायर से निकल के जो पंप मोटर होती है, पंप मोटर के फेज लाइन दिया जाता है और न्यूट्रल इसमें डायरेक्ट आता है। तो दोस्तों इस पंप मोटर को कैसे चेक करना है आज मैं भी आपको दिखाऊंगा। अगर आपके पास कोई भी दिक्कत होता है इसे समझने के लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कैसे टाइप एसी में पानी गिरने का सिम्टम है तो आप मुझे इस बात को ध्यान देकर काम कर सकते हो। दोस्तों देखिए, चेक करने का आसान तरीका, दोस्तों मैं अभी इसे चेक कर रहा हूँ। देखिए ये जो दो प्रोब है, प्रोब मैंने वायर पे रखा है, और जो फ्लोटिंग स्विच है अभी नीचे की तरफ होती है, मतलब इसमें कोई अभी लाइन नहीं है। जब मैंने ऊपर की तरफ किया तो देखिए इसमें ओम्स शो करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों जब ये कैसे टाइप ऐसी सीलिंग के ऊपर रहेगा तो ये जब इसका पॉइंट नीचे की तरफ रहेगा तो इसमें लाइन रहेगा और पंप मोटर भी चलेगा, और ट्रे में जितने पानी रहेगा वो बाहर की तरफ निकालेगा। और जब इसे मैं छोड़ दूंगा तो इस पर लाइन नहीं रहेगा। जब इसमें जो ट्रे होती है, ट्रे में पानी जमा होगा तो फ्लोटिंग से जो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तब जाके इस पर लाइन नहीं रहेगा, तो ये पंप मोटर वर्क करना शुरू कर देगा और पानी जो है बाहर की तरफ ये फेंकना शुरू कर देगा। तो जैसे देखिए, जो पंप मोटर होती है काफ़ी मैल होने से इस पर डर्ट होती है, फिल्टर के जैसे जितना ब्लॉक होती है, क्लॉग होती है, तो जब भी इस पर पूरे मैल हो जाता है पंप मोटर आप देख सकते हैं जो वाइट है ईस्टर की तरह, इसमें अगर मैल हो जाता है, अगर पानी इस पर नहीं जा पाता है किसी की तरह किसी भी कारण ब्लॉक हो जाता है, तो ये पंप मोटर काम करना बंद कर देता है। तो ये जो ट्रे होती है, ट्रे में से पानी ओवर फ्लो होकर नीचे गिरता है। और इसके साथ आपको चेक करना पड़ेगा फ्लोटिंग स्विच किस तरीके से चेक किया है मैंने, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, और साथ में इसको चेक करके आप इसे समाधान कर सकते हैं।